उत्तराखंड में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लव ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ मिलकर भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला और महंगाई के लिए सीधा सीधा केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बरसों बरस मौका दिया, पर क्या हमने महंगाई को बढ़ने दिया? हमने क्या पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों को बढ़ने दिया? क्या हमने जीएसटी लगाई? ये तो पहली सरकार है, आपको जान के आश्चर्य होगा, जिसने कृषि पर टैक्स लगाया है। जी, कृषि के जो पेस्टिसाइड्स है, कृषि संयंत्र है, ट्रैक्टर है, उसको जीएसटी के दायरे में लाने का काम मौजूदा केंद्र सरकार ने किया है। आज तक हिंदुस्तान में किसी सरकार ने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर टैक्स नहीं लगाया, ये मोदी सरकार है जिसने कृषि पर टैक्स लगाया। तो हमारी और उनकी प्रायोरिटीज अलग है साहब। 10,80,000 करोड़ रुपया उन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों के जो लोन था उसको राइट ऑफ किया। हमारी प्रायोरिटी किसानों के लोन को राइट ऑफ करने की है, आम लोगों की लोन्स को राइट ऑफ करने की। गौरव वल्लभ ने दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि दाल जो गरीबों के लिए वरदान होती है उसे उनसे छीन लिया गया क्योंकि उसके दाम इतने बढ़ा दिए गए। हमने देखा कि पिछले 7 सालों में जो दाल पलसे 60 रुपए प्रति किलो थी आज 150 के पार हो गई है। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं और भाजपा हराओ महंगाई घटाओ के नारे के साथ चुनाव में उतरेंगे। अपने सारे कार्यकर्ता साथियों से कल अनुरोध करेंगे कि वो चाहे बैच पहने चाहे हाँ बिरला लगाएं, अधीर जी इस पर विचार एक संभव है, बिरला लगाएं, जिसमें हमारा नारा होगा भाजपा हराओ महंगाई घटाओ। ठीक है, अरे आपने सर जरा धीरे धीरे हिलाया, मतलब महंगाई घटाओ भाजपा हराओ, भाजपा हराओ महंगाई घटाओ, इस नारे को लिख करके हमारे सब कार्यकर्ता चाहे बैच बना करके लगाएंगे, हाथ पर बैंड चाहे यहाँ पर हम बैच लगा करके करेंगे। और कांग्रेस नेताओं ने मोदी और प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नए साल पर लोगों का उपहार यही है कि महंगाई की दर पूरे साल 10% थी, कपड़ों पर लगने वाली जीएसटी 5% से 12% तक बढ़ा दिया गया। जनता से वादा किया था 15 लाख अकाउंट में देने का, लेकिन जनता के अकाउंट तो अभी भी खाली हैं। उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की सरकार आती है और केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे और जनता के हित में फैसले लेंगे। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।